नो मेरी ख्याल से हील बैटल वहां पे क्या चला, बट नहीं मेरी ख्याल से कोई मूवमेंट वहां पे नजर है, बट दो प्लेयर्स आईएनडी के अभी भी जोन के एज के अंदर जाने की कोशिश कर, बट वहां पे अल्ट्रा नॉक डाउन हुए, सेल्स के प्लेयर्स दिक्कत में आते हैं बिकॉज इतना ज्यादा एज हो गया कि बिकॉज राइट हैंड साइड से भी वहां पे टीम मारे गए, बट यहाँ पे टीम आईएनडी को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पे स्लेयर मारे गए, ट्रांस मारे गए, कॉर्डल को किल मिलते हुए, क्रॉन्टन ने यहाँ पे वो किल निकाले, और ये जो फाइट थी टीम आईएनडी की, क्रेटोस अभी भी बाहर है या नहीं आई डोंट नो, बट वो भी फिनिश हो चुके हैं। टीम आईएनडी यहां से बाहर होते हुए इस वाले फाइट से, बट वहां पे नियो नॉकडाउन कर चुके टीम तमिलनाडु के मैक्सिको, मैक्स से फिनिश होते हुए क्लच गॉड ने उनका किल कंफर्म करा एंड नियो को अपना किल मिला एक पॉइंट के रूप में। 60 टीम्स बचती है अभी के लिए, गॉड लाइक जैसा बड़ा नाम, ऑरेंज रॉक जैसा बड़ा नाम, मेगा स्टार्स जैसा बड़ा नाम, एलिमेंट्रिक्स जैसा बड़ा नाम, और ऑब्वियसली टीएसएम एंटिटी, इस टीम को कोई नहीं भूल सकता। टीम तमिलनाडु के प्लेयर्स भी यहां पर बचे हैं, हर तरह से फाइट निकलने की कोशिश यहां पर निकालते हुए दलजीत वहां पर डाउन हो गया मेगा स्वैग के द्वारा एंड एलिमेंट्रिक्स के ऑरेंज ट्राई कर रहे हैं अगर कहीं भी उनको कोई भी प्लेयर दिखता है, जो कि स्पेसिफिकली गॉडल की स्क्वाड होने वाली है। क्रॉन्टन आपकी स्क्रीन के ऊपर है एंड वो स्विच कर रहे हैं बार बार अपनी गन और मोलोटॉव के बीच में, क्लच गॉड वहां पर डाउन हो जाते हैं, नियो डाउन हो जाते हैं टीम तमिलनाडु के स्ट्राइकर के द्वारा, और इस एक घर के अंदर आई गेस यहां पर जाते हैं गॉडल के प्लेयर्स, बट गिल ग्रेनेड से डाउन हो जाते हैं, स्ट्राइकर ऑन द अदर मेगा पैराडॉक्स से डाउन हो जाते हैं एंड टीम तमिलनाडु एक एग्जिट लेते हुए सेल्स के एमजे ऑरेंज रॉक के दलजीत को फिनिश करते हैं। क्रॉन्टन मोलोटॉव का इस्तेमाल करते हुए इन फाइट्स के लिए बिकॉज ही जस्ट वांट्स कि वो ओपनिंग ना मिल सके जिससे एलिमेंट्री प्लेयर्स नीचे आकर गॉडल गिल को फिनिश कर पाए। गिल को रिवाइव मिल चुका है, वो अपनी फर्स्ट एड लगाएंगे एंड आगे पूरी फाइट लेंगे। क्रॉन्टन एफवीपी लेकर बिल्कुल बिल्कुल करीब, एकदम आगे ही उनके ओपोनेंट्स हैं, उनके ओपोनेंट्स आगे सब कूदने वाले हैं नीचे की तरफ को बिल्कुल, बट ऑन टॉप और जिससे यूजु बहुत ज्यादा बाहर है, बट यहाँ पे शागर को पूरा फिनिश करा जाएगा। यहाँ पे टीएसएम एंटिटी जॉनेथन करते हुए थर्ड पार्टी, दो टीम की फाइट चल रही थी, तीसरी टीम यहाँ पे आती हुई कैपिटलाइज करते हुए पीछे से मेगा स्टार्स के प्लेयर, उनके साथ भी एंगेजमेंट यहाँ पे चल रहा है। जॉनेथन का एक वी बना दिया है, दोनों साइड से एंगेज करा है, राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड में नहीं जा सकते, लेफ्ट हैंड साइड से मेगा के जो प्लेयर्स आ रहे थे जोन के अंदर उनको वहां पे डैमेज है, बट आप एमजे को भी नॉकडाउन करा क्लच गॉड ने। हर जगह टीएसएम एंटिटी यहां पे फाइट ले रहे हैं, उसी के चलते 11 किल्स यहां पे इन प्लेयर्स ने कुछ ही क्षण में अपने लिए बटोर लिए हैं। 541 का यहां पे डैमेज क्लच गॉड ने क्लेम करा अपने लिए, यहां पे सामने सेल्स का स्क्वाड जोन के अंदर आना उन्हें, बट ऑपोजिट साइड ऑफ सर्कल से टीएसएम एंटिटी दिक्कत दे रही है उन लोगों को। क्लच गॉड का जो परफॉर्मेंस है, अगर यहां पर टीएसएम एंटिटी जीती है वापस से वो एमपीपी बन सकते हैं। 4 किल्स उनके पास आ चुके हैं। जी गॉड ऑन द अदर एंड आते हैं मेगा के एनकोर को पिक ऑफ करते हुए अपनी एकेएम का जलवा दिखाते हैं सेल्स के स्क्वाड को, धीरे धीरे सर्कल में आता है, उनको डैमेज ज्यादा होने वाला। जी गॉड लेकिन वहां पर पिक ऑफ हो जाते हैं सेल्स के आतंकी मेगा स्वैग को लेकर जाते हुए, सेल्स आतंकी विल बी ऑन अ डोमिनेशन। क्लच गॉड धीरे धीरे आगे मूव करते हुए, टीम इंडिपेंडेंटली खेलती है बट बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ खेलती है, इनका माइंडसेट एक ही रहता है, दे जस्ट नीड किल्स एंड विन। मैट्रिक्स ऑन टॉप वहां पर गॉडल के एक्जिस्टेंस को लेकर जाते हो, अभी भी 6 टीम्स बचे हुए, 21 लोग अभी भी जीवित, एक और प्लेयर जा सकता है एंड जाएगा यहां पर बिकॉज दिस इज टीएसएम एंटिटी एंड दिस इज व्हाट दे आर नोन फॉर, और किल्स अपने खाते में जॉनाथन लेकर जाएंगे एक और एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स का बिल्कुल, बट सामने मिस्टर ह्यूजो अपने एक कंपाउंड में गॉडल का स्क्वाड फॉर श्योर उन्हें फिनिश करने की कोशिश कर, बट राइट साइड में एक और किल है जो जॉनाथन ले सकते हैं राइट साइड वाले कंपाउंड के पीछे, बट ये फाइट किसी टीम के लिए इजी नहीं होने वाले बिकॉज जोन, बट यहाँ पे टीएसएम एंटिटी इस वाले जोन को कैपिटलाइज कर सकते हैं बिकॉज उनके पास जोन बना है। सेल्स को राइट साइड से ऑरेंज रॉक से लड़के आना पड़ेगा, मेगा स्टार्स का जो स्क्वाड है उनसे लड़के आना पड़ेगा, बट अल्ट्रॉन वहां पे नॉकडाउन होते हुए, मावी को यहाँ पे ट्रेड में नॉकडाउन करा आतंकी ने, वीरू नॉकडाउन होते हुए, एमजे का एक बहुत बढ़िया एक यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पुशवाट, वहां पे वो एक व्हीकल को पूरा पछाड़ के यहाँ पे आतंकी किल्स लेके जाएंगे, ऑरेंज रॉक यहाँ पे एलिमिनेट हुई है, #6 एक किल निकाल के जाएगी, बट एमजे he is on a rampage right now. Sales is on fire as of now and TSM NTT पीछे की तरफ मेगा स्टार्स के लिए दिक्कत कर रही है। I mean these are the kind of teams जो कि हमें फाइनल सर्कल में देखने को मिलनी चाहिए and this is the game जो कि हमें देखना चाहिए था, विकेंडिंग गेम, that means TSM NTT, Sales, Godlike, मेगा स्टार्स और एलिमेंट्रिक्स, 5 टीमें, 17 लोग अभी के लिए बचे मेगा स्टार्स के, एक प्लेयर को रिवाइव चाहिए, स्लोली स्टेडली रिवाइव मिल जाएगा, बट देन उसके बाद आती है सर्कल की फाइट। सर्कल में अभी कोई भी टीम नहीं है, सब टीम्स को 1 मीटर नहीं तो 10 मीटर सर्कल में जाना। नियो यहां पर स्पॉट करते हैं प्लेयर्स को, किल को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेकर गए थे, वैसे यूज़ वहां पर जाते हैं टीएसएम जॉनसन के द्वारा जो डोमिनेशन में आ जाएंगे एंड सी गॉड यहां पर गॉडल किल को पिक ऑफ करते हुए, सेल्स के रॉक्स वहां पर गॉडल स्मोगी को पिक ऑफ करते हुए, गॉड लाइक एलिमिनेशन होता हुआ इस फाइट के अंदर, इन सारी फाइट्स के अंदर गॉडल क्रॉन्टन भी वहां पर फिनिश हो जाएंगे। अब 4 टीम्स बचती हैं, सेल्स के प्लेयर्स फिर अंदर मूव करते हैं लेकिन इस बार इनको कैच करेंगे टीएसएम एंटिटी के नियो, जो कि अपने लिए किल्स और बटोरना चाहते हैं, पूरी टीएसएम एंटिटी मार्च करती है उधर बिकॉज उनको पता है कि ये वो टीम है जिससे उनको खतरा था, बट अब और नहीं, ये एक सेकंड इन 20 किल्स
इंडिया हो सकता है. इट इज ऑलरेडी 21 किल्स गेम फॉर टीएसएम इंडिया. अगर ये वाला चक्कर निकला तो सामने और किल्स है, बट वहां पे नॉक डाउन करा उनके एक प्लेयर को. जी गॉड अभी भी नॉक डाउन है, बट सामने कार बस डाउन करके को फायदा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मेगा इनको वापस से एक हील बैटल कर रहे हैं. सात फर्स्ट एड्स उनके पास है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो एनकोर को बिकॉज ये रॉक जो है जोन के बाहर है. एंड जोनाथन या किसी एक प्लेयर को एक रिस्क लेना पड़ेगा, बट वो लोग रिस्क लेंगे नहीं इस वाले टाइम पे. दे विल बी स्टैंडिंग इनसाइड द जोन एंड उनको भी पता है कि विकेंडी वाला जोन हील बैटल जाता है. एंड एक और चीज, 25 सेकंड बाद एक डेड सर्कल बनने वाला जो कि सारी सारी टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स भी जोन के बाहर हो जाएंगे. देयर विल बी नो जोन आफ्टर द 9th वन एंड द मैच हैज एंडेड. मेगा स्टार्स के स्क्वाड वापस हैशटैग 2 लेते हैं. वही एक प्लेयर था मेगा इनकोर जो कि उस टीम को हैशटैग 2 लेके जाता हूं. बट टीएसएम एंटिटी, व्हाट अ विन दैट वाज. 21 किल्स दैट